नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भविष्य नक्षत्र में। इस चैनल पर साल में आने वाले सभी व्रत एवं त्योहारों के बारे में आपको पहले ही जानकारी मिल जाती है, साथ ही साथ साल में पड़ने वाले सभी मुहूर्त के बारे में भी आप इस चैनल पर जान लेते हैं। यदि आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही विशेष है इस बारे में कि साल में पड़ने वाले सभी ग्रहण कब और किस दिन पड़ रहे हैं। साथ ही साथ सूर्य ग्रहण भी इसी वीडियो में आप जान जाएंगे और साथ ही साथ चंद्र ग्रहण भी आपको इसी वीडियो में पता लग जाएंगे। तो अभी तक इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन अवश्य दबा दें, ताकि आने वाले सभी मुहूर्त और जितने भी योग हैं, जितने भी दोष हैं इस साल में आने वाले सभी आप पहले से ही जान जाएं। साथ ही साथ अपनी जन्म कुंडली यदि आपको दिखवानी हो तो नीचे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर दिखाकर आप अपने बारे में सशुल्क उत्तर ले सकते हैं। आइए आ जाते हैं सीधे आज के वीडियो के ऊपर कि कौन कौन से दिन हैं जिस दिन हमें सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण इस साल देखने को मिल सकता है या फिर मिलेगा ही पहले ही ज्योतिषों की कैलकुलेशन द्वारा। आप इस वीडियो का फायदा उठाइए कि कैसे आप जान जाते हैं पहले ही साल में पड़ने वाले सभी ग्रहण को। तो दो सूर्य ग्रहण और दो चंद्र ग्रहण इस साल आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहला सूर्य ग्रहण जो पड़ रहा है वह 20 अप्रैल के दिन पड़ रहा है। 20 अप्रैल के दिन पड़ने वाला सूर्य ग्रहण भारत में पड़ने वाला ही है, क्योंकि सुबह 7 बजे से यह शुरू हो जाएगा। और अगला जो ग्रहण पड़ रहा है वह चंद्र ग्रहण होगा, जो कि इससे ठीक 15 दिन बाद, यानी कि आपने देखा कि अमावस के दिन तो सूर्य ग्रहण पड़ गया और पूर्णिमा के दिन पड़ेगा चंद्र ग्रहण, जो कि 5 मई 2023 के दिन पड़ रहा है। जो कि विशेष सावधानियां बताई जाती हैं कि खास सावधानियां रखनी चाहिए उन महिलाओं को जो कि गर्भवती हैं, उनको किसी भी प्रकार से अपने शरीर को किसी भी प्रकार से खुजाना नहीं चाहिए, किसी भी धारदार चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाकू इत्यादि कैंची इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सुई धागे का उपयोग नहीं करना चाहिए। सीधे साधारण बैठकर वह केवल भगवान के भजनों को मन में रटती रहें, क्योंकि मंदिर के पट भी जिस भी समय ग्रहण पड़ रहा होता है वह बंद कर दिए जाते हैं, चाहे घर के मंदिर की बात हो रही हो या फिर हमारे घर के पास वाले मंदिरों की पट बंद हो जाते हैं और किसी प्रकार का हम कोई भी शुभ कार्य उस बीच नहीं करते, सिवाय उस चीज के कि हम किसी प्रकार के कीर्तन या भगवान के भजन इत्यादि मन ही मन करें, या फिर कीर्तन, भगवान के रटन, भगवान के मंत्र और खासतौर से सूर्य ग्रहण के बीच यदि हम सूर्य के मंत्रों का जाप करें और चंद्र ग्रहण के बीच चंद्र ग्रहण का मंत्र का जाप करें। यदि किसी प्रकार के मंत्र की आवश्यकता आपको हो कि किस वक्त किस मंत्र का जाप करना चाहिए, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो कौन से मंत्र का जाप करें, या गर्भवती महिलाओं को कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, यदि कोई काम नहीं बन रहा है, काम में बाधाएं आ रही है, तो इस बारे में हम अलग से वीडियोस तो देते ही हैं, अथवा अगर आपको कोई मंत्र प्राप्त करने हो तो सशुल्क नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमसे भी ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि साल के दूसरे भाग में जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण मिल रहे हैं तो वह हमें कब मिल रहे हैं। दीपावली माह जो हमारे पास पड़ रही है 12 नवंबर की दीपावली, और 14 नवंबर को हमें सूर्य ग्रहण देखने को मिल रहा है। 14 नवंबर के दिन सूर्य ग्रहण पड़ने की वजह से जैसे पिछले साल हुआ 2022 में कि दीपावली के अगले दिन हमें अन्य त्यौहार जैसे भैया दूज या गोवर्धन मनाने को नहीं मिले, इस साल भी कुछ ऐसी ही दिक्कत सूर्य ग्रहण की वजह से ही हो सकती है। त्यौहार आगे खिसक जाएंगे, पर इस बारे में आपको पहले ही वीडियो इस चैनल पर मिल जाएंगी कि कब कौन सा त्यौहार मनाया जाए और कब किस प्रकार से किस मुहूर्त में भाई का टीका किया जाए या गोवर्धन पूजा की जाए, इस बारे में आपको अलग से वीडियो पहले ही मिल जाएंगे। अगर आपने बेल आइकन दबा रखा है तो आपको नोटिफिकेशन पहले ही आ जाएगी। आइए जानते हैं साल का आखिरी ग्रहण जो कि है चंद्र ग्रहण वह कब पड़ रहा है। 29 नवंबर के दिन साल का आखिरी जो चंद्र ग्रहण है वह पड़ रहा है, क्योंकि पूर्णिमा पड़ रही है तो उसी दिन आपको ग्रहण देखने को मिल जाएगा, और यह साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा या पूरे साल का आखिरी ग्रहण कहला सकता है। इस साल पड़ने वाले ये सभी ग्रहण की तारीखें आप पहले से नोट कर लें, और यदि आपने नोट नहीं करी है तो वीडियो को पीछे जाकर दोबारा देखकर ये तारीखें कहीं लिख लीजिए, क्योंकि इन दिनों में किए गए मंत्रों के जाप, जिस भी दिन किसी भी प्रकार का सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हमें मिलता है उस बीच किए गए मंत्रों का जप हमें 100 गुना फल देता है अन्य दिनों करे गए किसी भी प्रकार के मंत्र जप के मुकाबले। तो यदि यह जानकारी आपको अभी तक नहीं थी और भविष्य नक्षत्र ने आपको दी, स्वयं आपके गुरु ज्योतिष शरद स्वरूप ने आपको दी, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और ओम सूर्याय नमः जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अन्य वीडियो देखने के लिए और साथ ही साथ किसी प्रकार के मुहूर्त एवं ग्रहण या फिर किसी प्रकार के शुभ योग जानने के लिए लगातार बने रहें चैनल भविष्य नक्षत्र के साथ। धन्यवाद। राधे राधे।